भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने श्री सेवा राम परिसर धर्मार्थ ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह में शिरकत की और इस अवसर पर सामाजिक कार्यों को समर्पित सेवा वाटिका का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सराफ भी रहे। कार्यक्रम में पहुंचे समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज देश की संस्कृति को समर्पित थे और उस समय समाज के लोग आपसी फैसले समाज के बीच बैठ कर लेते थे। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर मामले में कहा कि उम्मीद है कि 2 वर्ष में कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। देता हूं सारे चौधरी परिवार को, कांग्रेस के लिए हमारा शुरू से सहपाठी रहा है। मैं तो इनके काम को पहले भी कुछ दिन पहले देख के गया था। बहुत बहुत बधाई सारे परिवार को जिन्होंने अरविंद के अंकल जी का पता लगाई। सारा सहयोग आपका है, यही नहीं हमारा तो कहाँ है, लेकिन बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आ रहा है, किस प्रकार के नया साल का मान चल रहे हैं? नए साल का तो आना था, जो बीता है वो 3-4 दिन पहले मुझे दादरी जिले के सभी गांव के लोग मिले थे और NHAI के मार्फत से भारत सरकार का फैसला है कि रूरल इलाके के अंदर एग्रीकल्चर जो भी एरिया है उसमें कलेक्टर रेट का 2 गुना और अर्बन में 2.5 गुना, इसलिए जो भी कलेक्टर रेट होगा उसका 2 गुना 2.5 गुना भारत सरकार देगी, क्योंकि उसके टेंडर भी हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2 साल में काम पूरा हो जाएगा ताकि जोहानी का आदमी, दादरी का, महेंद्रगढ़ नारनौल का आदमी सही 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच के, और जिसने बम्बई भी जाना है वो भी वाया कोटकपली और उसके बाद अलवर होता हुआ वो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को टच कर जाएगा। उम्मीद है कि आधा टाइम बचेगा और जो लोगों की डिमांड है हम कोशिश करेंगे कि उनको मुआवजा बड़ी हुई कीमतों के हिसाब से मिले। तो इस प्रकार से है।